प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने इस पाठ के शब्दार्थ आपको लिखवाए थे और पाठ में उनका किस प्रकार प्रयोग किया गया है उसका अर्थ भी आपको समझाया था। आपने उसे नोटबुक में लिख लिया होगा और याद कर लिया होगा। आज हम इनके मुहावरों के बारे में आपको मुहावरों के अर्थ बताए जाएंगे और इन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग भी सिखाया जाएगा। परीक्षा में दोनों ही बहुत ज़रूरी है। तो हम कहेंगे मुहावरे होते क्या हैं? तो मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं, वाक्य के अंश होते हैं, जिनका कि शाब्दिक अर्थ ना होकर कोई विशेष अर्थ होता है। तो जो लिखा होता है उस अर्थ से हटकर अलग विशेष अर्थ होता है। तो हमें इसीलिए मुहावरे का अर्थ पता होना चाहिए। अगर हमें मुहावरे का अर्थ ही नहीं पता है तो हम मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर भी नहीं सकते। तो सबसे ज़रूरी है पहले हम मुहावरे लिखेंगे और उनका अर्थ लिखेंगे और उन्हें याद करेंगे, उसके बाद हम इन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करेंगे। तो पहला हमारा मुहावरा है, पाठ सातवां का पहला मुहावरा है, हृदय भरा। हृदय भर आना, तो ह में रह है, हृदय भर आना। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भावुक हो जाना। भावुक का क्या अर्थ होता है? भावुक हो जाना, भावुक हो जाना, भावुक हो जाने का अर्थ होता है जैसे इमोशनल, जैसे अपने पहलू को वापस पाकर झूरी भावुक हो गया, उसका हृदय भराया था। हृदय भराना मतलब भावुक हो जाना। वो अपने, जैसे कि आप बहुत दिनों के बाद अपने माता पिता से मिलेंगे या पिता से मिलेंगे तो क्या होता है, बच्चे भावुक हो जाते हैं, दौड़कर गले लग जाते हैं। तो ये इसे ही कहा जाता है हृदय भराना। हम इसका वाक्यों में भी प्रयोग सिखाएंगे। सबसे पहले हम इनका अर्थ लिख लेते हैं, उसके बाद हम इन्हीं मुहावरों का वाक्यों में भी प्रयोग मैं करवाऊंगा भी। तो पहले हम अर्थ लिखने का काम करते हैं। इसका अर्थ आपने लिख लिया। दूसरा है हमारा गले लगाना, गले लगाना। तो यहाँ पे गले क्या है? प्यार करना। इसका प्यार होता है प्यार करना। तो जैसे कि झूरी की पत्नी ने भी दौड़कर, जब अंत में हीरा और मोती मिल जाते हैं, वापस आ जाते हैं, तो दौड़कर गले लगाती है। तो प्यार करने के लिए ही ये शब्द का प्रयोग किया जाता है, गले लगा। जल भुन गई, क्या? जल भुन जाना। पाठ के अनुसार हम लिखते हैं जल भुन गई, जल भुन गई। इसका अर्थ होता है ईर्ष्या के कारण से होना, ईर्ष्या, ईर्ष्या के कारण, के कारण छिड़ना। जैसे कि पाठ में भी बताया गया है कि जब हीरा और मोती, हम कहेंगे झूरी के साले, हम कहेंगे या झूरी के पत्नी के भाई के घर से बिना काम किए रस्सी तोड़कर वापस आए थे, तो झूरी की पत्नी जल भुन गई, उसे बहुत जलन हुई कि ये देखो बैल कितने खराब हैं या स्वार्थी हैं, ये बिना मदद किए ही रात को भाग के आ गए। तो ईर्ष्या, जलन,
ईर्ष्या के कारण चिढ़ना, जलभंगई का अर्थ था, उसे गुस्सा आ रहा था या उसे जलन हो रही थी कि क्यों बैलों ने उसके भाई की मदद नहीं की और वे भाग के आ गए। तो ये था हमारा तीसरा जलभंगई का बदला है, खाली हाथ लौटना। चौथा है खाली हाथ लौटना। इसका अर्थ होता है बिना कुछ पाए लौटना, बिना कुछ पाए, बिना कुछ पाए लौटना। उसके बाद है पांचवा है, तो जैसे कि पाठ के अनुसार हम बोलेंगे, जो गया था हीरा और मोती को पकड़ने के लिए दौड़ा पीछे, लेकिन वे बहुत तेज से भाग चुके थे, अपने रास्ते से भटक के वे सीधे कहीं और चले गए थे। इस कारण से गया को खाली हाथ लौटना पड़ा, मतलब वे बिना कुछ पाए, वे हीरा मोती को नहीं पा पाया था, पकड़ पाया था, इसलिए उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। बिना कुछ पाए लौटने को ही कहा जाता है। और बारी है, अगला है हमारा दिल कांप उठना। दिल कांप उठना इसका अर्थ होता है डर जाना, डर जाना। तो ये पाठ के अनुसार इसका अर्थ आपको बता देते हैं। जब एक दाढ़ी वाला व्यक्ति हीरा और मोती को काजी हंस के नीलामी में खरीद लेता है, तो दोनों बैल उसे देखकर डर जाते हैं। उसकी आंखें लाल लाल थी, उसकी दाढ़ी थी और लग रहा था कि वह कसाई है, शायद वह पशुओं को खरीद करके उनको काट डालता या मार डालता। तो इसीलिए उनको देखते ही दोनों बैलों के दिल कांप उठे, मतलब वे डर गए थे, क्योंकि तो उन्हें लग रहा था कि शायद वे अब कसाई उन्हें ले जाके मार देगा, तो इसलिए वे डर गए थे। तो दिल कांप उठना का अर्थ होता है डर जाना। मुहावरा है दिल कांप उठना, इसका अर्थ होता है डर जाना। और हमारा अंतिम जो है मुहावरा वो है छठा, आग न देखा ताव। छठा है आव देखा न ताव, आव देखा न ताव। इसका अर्थ होता है न सोचा न समझा, न सोचा न समझा। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसमें व्यक्ति ज़्यादा सोचता नहीं, तुरंत फैसला ले लेता है। तो पाठ के अनुसार इसका अर्थ हम आपको बताते हैं। जब उस दाढ़ी वाले व्यक्ति से वे अपना रस्सियाँ छुड़ा कर वे भागे और वे झूरी के घर पहुँचे, कुछ देर के बाद वह जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था जिसकी आंखें लाल थी, वो भी हाँफता हाँफता झूरी के घर पहुँच जाता है। तो मोती को देखते ही, मोती ने जैसे ही उसे देखा, तुरंत उस पर, मोती ने आव ना देखा ताव, वो तुरंत उस पर हमला कर देता अपने सींगों से। तो मतलब बिना सोचे समझे, बिना ना सोचा ना समझा, कई फैसले तुरंत किए जाते हैं, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है आव देखा ना ताव। तो मोती ने भी आव ना देखा ताव और उस दाढ़ी वाले व्यक्ति पर सींगों से हमला कर दिया। तो ये था हमारा छठा और अंतिम मुहावरा इस पाठ का, आव देखा न ताव, अर्थ है न सोचा न समझा, या वह कार्य जिसे बिना सोचे समझे पूरा किया जाता है उसे हम कहते हैं आव देखा न ताव।
ये हमारे 6 मुहावरे हो गए हैं। अब हम इन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करेंगे, वो चलते हैं एक एक करके, हर मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग करते हैं। आपने इसे नोट कर लिया होगा, तो शब्दार्थ के बाद हमने मुहावरे लिखे, आप साथ साथ का लिखेंगे तो ज़्यादा आसानी से याद भी होता जाएगा। तो सबकी कॉपी निकली हो, सब साथ साथ ही लिखेंगे इसे मुहावरों के अर्थ। मैं एक बार फिर से मुहावरों को पढ़ देता हूँ। पहला मुहावरा है हृदय भर आना, भावुक हो जाना। दूसरा है गले लगाना, अर्थ होता है प्यार करना। जल भुन गई, ईर्ष्या के कारण चिढ़ना। खाली हाथ लौटना, बिना कुछ पाए लौटना। दिल कांप उठना, डर जाना। आओ देखा न ताव, न सोचा न समझा। अब मैं इसे मिटा करके इन्हीं मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करेंगे। प्रश्न होगा मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। प्रश्न होगा मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। हमारा पहला मुहावरा है, आपको पता ही है, हृदय भराना। हृदय भर आने, कुछ बच्चे इसके अर्थ का वाक्य में प्रयोग कर देते हैं जो कि गलत है। हमारा प्रश्न ही दिया है मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो, तो हमें मुहावरे का वाक्य बनाना है, ना कि मुहावरे के अर्थ का। तो ये सारे बच्चे जान लेंगे, हमें मुहावरे का वाक्य बनाना है, न कि मुहावरे के अर्थ। तो वाक्य बनेगा मुहावरे का ही। तो कुछ बच्चे लिख देते हैं इसका अर्थ होता है भावुक हो जाना, तो भावुक हो जाने का वाक्य बना देते हैं, गलत है। हृदय भर आना का अर्थ होता है भावुक हो जाना। देखेंगे अपने शब्दों में आप इसको बना सकते हैं, केवल हम इसे कहेंगे। बहुत दिन बाद, बहुत दिन बाद माँ को देखकर या बच्चों को देखकर माँ भावुक हो गई, या माँ को देखकर बच्चे भावुक हो गए, दोनों एक दूसरे को, दोनों ही सही हैं। मैं दूसरा ही लिख रहा हूँ, बहुत दिन बाद बच्चों को देखकर माँ का हृदय भर आया, हृदय भर आया, मतलब माँ भावुक हो गई, हृदय भर आया। तो आप इसमें किसी तरह से भी आप वाक्य बना सकते हैं, जैसे अभी मैं बना रहा था, बहुत दिन बाद बच्चों को देखकर माँ का हृदय भर आया। हम इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, बहुत दिन बाद माँ को देखकर बच्चों का हृदय भर आया। तो दोनों तरह से ही सही है, और आप अपने शब्दों में इसका प्रयोग करोगे। मुहावरा आया है, देखिए मैंने कहा था ना कि हृदय भर आना, ये आएगा हृदय भर आया। तो ये जरा सा बदलाव वाक्य की क्रिया के साथ, जरा सा मुहावरे में बदलाव आ जाता है, जो कि स्वाभाविक है, सही है, उसमें कोई गलती नहीं। ये मत कहना कि मुहावरा था हृदय भर आना और आपने लिख दिया हृदय भर आया। तो जो वाक्य की क्रिया के अनुसार मुहावरे में जरा सा बदलाव आ सकता है जो सही है, इसमें कोई त्रुटि या गलती नहीं। अब हम अपने दूसरे मुहावरे की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा मुहावरा है,
गले लगाना, दूसरा मुहावरा है गले लगाना। साथ साथ लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आप नोटबुक निकाल करके साथ साथ लिखेंगे तो कुछ बच्चे बाद में भूल जाते हैं। तो गले लगाना का अर्थ आपको पता ही है, प्यार करना। अपने कुत्ते को देख, अपने कुत्ते को देखते, अपने कुत्ते को देखते ही, देखते ही राहुल उसे गले लगा लेता है, गले लगा लेता है। तो यहाँ पे गले लगाने का अर्थ होता है प्यार करना। तो यहाँ पे गले लगाने का क्या अर्थ है? प्यार करना। तो राहुल अपने कुत्ते को देखते ही उसे गले लगा लेता है, अर्थात प्यार करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। तीसरा जो हमारा है वो है जल भुन गई, तीसरा है मुहावरा जल भुन गई। ये हमारा तीसरा मुहावरा है, इसका अर्थ आपको पता ही है ईर्ष्या के कारण चिढ़ना, ईर्ष्या के कारण तो लिखेंगे सुनीता का, सुनीता की नई गुड़िया देखकर राधा जल भुन गई। तो इसमें हमें कोई बदलाव नहीं करना पड़ा, तो एक बार फिर से इसको ध्यान से देख लेते हैं। हमने तीन मुहावरे लिखे, इसका क्या होता है? जल भुन गई का अर्थ होता है ईर्ष्या के कारण जल। तो एक बार तीनों को फिर से दोहरा लेते हैं, आप इसे नोट भी कर लेंगे। हृदय भर आना, बहुत दिन बाद बच्चों को देखकर माँ का हृदय भर आया। गले लगाना, अपने कुत्ते को देखते ही राहुल उसे गले लगा लेता है, प्यार करने। गले लगाने का यहाँ पे क्या अर्थ था? प्यार करना। हृदय यहाँ पहले था, हृदय भर आने का अर्थ होता है भावुक हो जाना। और जल भुन गई, ये क्या है? ईर्ष्या के कारण जलन। सुनीता की नई गुड़िया देखकर राधा जल भुन गई। तो ये था हमारा तीन, हमने मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कर दिया, तीन और बचे हैं तो हम उनको भी नोट कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने चौथे मुहावरे, और हमारा चौथा मुहावरा है खाली हाथ लौटना, खाली हाथ लौटना। तो कहेंगे पुलिस ने
पुलिस ने चोर का पीछा किया परंतु परंतु उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। तो यहाँ पे खाली हाथ बिना पाए पुलिस ने पूरा अभ्यास हम कहेंगे प्रयास तो किया था, पीछा किया, लेकिन वे पकड़ ना पाए, शायद चोर भाग गया था। तो ऐसे ही इसका अर्थ लिखे खाली हाथ मतलब बिना पाए लौटना, जिस चीज़ के लिए जाते थे वो चीज़ नहीं मिली। जैसे हम कहेंगे राहुल रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ने गया लेकिन उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। इसका अर्थ क्या है, रेलगाड़ी जा चुकी थी। तो अपने हम अपने शब्दों में इसका अर्थ बता सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है जिसके लिए हम प्रयास करते हैं तो उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं खाली हाथ लौटना। तो ट्रेन स्टेशन छोड़कर जा चुकी थी, राहुल को खाली हाथ लौटना पड़ा, मतलब वह ट्रेन पर सवार नहीं हो पाया, वह छूट गया, या हम कहेंगे गाड़ी चली गई थी। तो खाली हाथ लौटने का ये हमने ये बनाया। इसके बाद पांचवा हमारा है वाक्य, पांचवा मुहावरा है दिल का उठना। दिल का उठना क्या अर्थ होता है, दिल का उठना का डर जाना। तो हमने डर जाना का वाक्य नहीं बनाना, दिल कांप उठना। बस्ते में सांप देखकर बस्ते में सांप देखकर रोहन का दिल कांप उठा। तो बदलाव आ गया, ये बदलाव सही है। दिल कांप उठा। बस्ते में सांप देखकर रोहन का दिल कांप उठा, मतलब वह डर गया। दिल कांप उठना का क्या अर्थ होता है, डर जाना। तो ये था हमारा पांचवा मुहावरा। अब हम छठे पे चलते हैं, आव ना देखा ताप। हमारा जो छठा है मुहावरा उसका वाक्य बनाएंगे, आव देखा ना ताप। तो जी अचानक जो फैसला किया जाए उसे आव देखा ना ताव कहा जाता है, जिसमें तुरंत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए, तुरंत जो फैसला किया जाता है उसे बोला जाता है आव ना देखा ताव। पाठ में भी मैंने आपको बताया था कि उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को अपने झूरी के घर में देखते हैं, मोती ने उस पर हमला कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि ये जो व्यक्ति है दाढ़ी वाला शायद वो पशुओं को
लेकर मार देता है, शायद वो कसाई है। तो उसने देखते ही बिना कुछ सोचे, उसने ये भी नहीं सोचा कि चाहे झूरी को बुरा लगे, चाहे हीरा जो कि समझदार बैठा उसके उसको बुरा लगे, उसने तुरंत उस पर हमला कर दिया। आओ ना देखा ताओ, तुरंत फैसला लिया। तो उसको कहा जाता है, जैसे कि हम लिख सकते हैं कि हिरण को देखते ही, हिरण को देखते ही शेर ने आओ न देखा था, आओ देखा ना ताव उसका शिकार कर दिया, उसका शिकार कर दिया। इसके अंदर बिना तुरंत फैसला लिया, बिना सोचे समझे, हिरण को देखते ही शेर ने आव न देखा था उसका शिकार कर दिया। तो तुरंत फैसला लेना, अचानक से किसी बारे में फैसला लेना आव देखा ना ताव कहलाता है। तो बच्चों, इसी के साथ हमने अपने 6 जो मुहावरे थे उनका वाक्यों में प्रयोग कर दिया। आप इसे नोट भी कर सकते हैं और परीक्षा में कोशिश करिएगा कि आप इसे अपने शब्दों में लिखें, नहीं तो ये ना हो कि सारे बच्चे टीचर वाला ही लिख देते हैं और याद भी कर देते हैं, तो ऐसी ज़रूरत नहीं। इसे आप अपने शब्दों में भी कर सकते हैं, इसे खाली हाथ लौटना। तो इसका अर्थ होता है बिना पाए वापस लौटना। पुलिस ने चोर का पीछा किया परंतु उसे खाली हाथ लौटना पड़ा, मतलब ये शायद चोर को पकड़ ना पाया। दिल कांप उठना का अर्थ होता है डर जाना। बस्ती में सांप देखकर रोहन का दिल कांप उठा, रोहन डर गया, इसका अर्थ क्या था, रोहन डर गया। छठा है हमारा आओ देखा न ताव, हिरण को देखते ही शेर ने आओ देखा न ताव उसका शिकार कर दिया। तो बिना सोचे समझे तुरंत फैसला लेना या कुछ हम कहेंगे कुछ कार्य कर देना, तो हिरण को देखते ही शेर ने उसका शिकार कर दिया। ऐसे ही बोला जाता है आव न देखा ताव, हिरण को देखते ही शेर ने आव देखा न ताव उसका शिकार कर दिया। तो ये था हमारा मुहावरों का। तो बच्चों, हमने अपने शब्दार्थ लिख लिए, मुहावरों को भी लिख लिया और आज हमने मुहावरों का भी वाक्यों में प्रयोग कर दिया। तो परीक्षा में ऐसा पूछा जा सकता है कि कोई मुहावरा दे दिया जाएगा, उसका वाक्यों में प्रयोग करने के लिए भी दिया जा सकता है। तो इसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। और अब हम अपने मौखिक प्रश्न आज करेंगे, शुरू करते हैं मौखिक प्रश्नों का। इस पाठ में 5 मौखिक प्रश्न हैं और इन मौखिक प्रश्नों को मौखिक रूप से ही किया जाता है, आपको पता ही है। तो पहला है हमारा मौखिक प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। हीरा मोती गया के घर से क्यों भाग गए? अगर कोई कारण पूछेगा कि कारण क्या था, और नए लोग नया स्थान ये कारण था। गया के घर से भागने का कारण हमें पाठ्यपुस्तक में भी लिखा गया था कि जो दोनों बैल थे, नए लोग या नया स्थान उन्हें पसंद ना आया। कारण यही है कि शायद वो नया स्थान और नए लोग उन्हें पसंद नहीं आए थे और इस कारण से उन्होंने भाग जाने का फैसला किया था। तो यही कारण हम लिखेंगे कि नए लोग नया स्थान। हीरा मोती गया के घर से भाग आए क्योंकि उन्हें नया स्थान या नए लोग पसंद ना आए थे। तो ऐसे कारण हम बताएंगे। इसमें और भी प्रश्न हैं और हम चर्चा के द्वारा करते ही हैं, तो आज तो समय नहीं है, कल हम इसे
फिर से चर्चा के द्वारा ही शुरुआत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।